बिलासपुर से अब खबर, जहां सिम्स हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, ओपीडी इलाज बंद कर प्रदर्शन कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर। जूनियर डॉक्टर्स के साथ मारपीट से नाराज है डॉक्टर। वहीं इलाज करने आए मरीज ने जूनियर डॉक्टर से मारपीट की थी, जिसके बाद अब ये डॉक्टर्स सड़कों पर उतर आए हैं और हड़ताल कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की, नारेबाजी की गई। इलाज कराने दरअसल मरीज यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन उसके बाद जूनियर डॉक्टर से इनकी कहासुनी हुई और मारपीट तक बात पहुँच गई, जिसका विरोध अब किया जा रहा है। ओपीडी बंद कर दी है, ओपीडी बंद करके इनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। जूनियर डॉक्टर्स खासा नाराज हैं और जिसकी वजह से अब ये सड़कों पर उतरे हैं। वीरेंद्र गहवाई जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। वीरेंद्र, क्यों आखिरकार जब मारपीट हुई तो क्यों आखिरकार यहां पर प्रबंधन ने आवाज नहीं उठाई और अब क्या कहना है जूनियर डॉक्टर्स का? देखिए, जूनियर डॉक्टर्स अपने स्ट्राइक पर हैं और वो काम बंद करके यहाँ पर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अभी प्रबंधन और पुलिस के अधिकारी चर्चा करने के लिए आए हैं और ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे से अब दोबारा इस तरह की घटना नहीं होगी। यहाँ पर हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं उनसे हम चर्चा करते हैं कि आखिर क्या इनका इनकी मांग है, ये बताइए भाई साहब, किस तरह की मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? अभी प्रबंधन से इनकी चर्चा हो रही है और लगातार अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी और इस तरह लगातार जब इनको आश्वस्त किया जा रहा है वीरेंद्र की गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपी को, तो क्या ये संतुष्ट नहीं है? जी, यही इनसे जानना चाहते हैं कि जो स्ट्राइक कर रहे हैं उनसे जानते हैं। आप भी उस दिन हमारे साथ खड़े रहेंगे, ये बताइए कि क्या मांग थी और क्या कहा जा रहा है प्रबंधन द्वारा? देखिए, एक्चुअली जो इंसिडेंस था उसमें ऐसा था कि उस दिन एक शुभम पांडे नामक व्यक्ति एक आया यहाँ, उसने हमारे CMO सर डॉक्टर अंशुल भौमे के साथ मारपीट, अभद्र भाषाओं का प्रयोग और ये जो एप्रन होता है हमारा, जो कोट होता है लॉयर का, इसको फाड़ा। फिर भी सर अंदर जाकर के बैठे, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के हेड को बताया, उस दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर को खुद जाकर के अपनी FIR दर्ज करने पड़ी, इंस्टीट्यूट की तरफ से उसके साथ कोई नहीं गया। ठीक है, FIR करने गए, उसके बाद भी सर 3-4 बार गए। उसके बाद 1 तारीख की घटना है, ये आज हो गई है 4 तारीख। आज हमने फैसला किया स्ट्राइक करने का, हमने पहले ही नोटिस दे दिया था। आज हमने सिर्फ OPD बंद किया था, उसमें हमारी मांगे निम्नलिखित थी कि पहली इंस्टीट्यूट की तरफ से एक्शन होना चाहिए और इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रेशर करना चाहिए, क्योंकि बंदा CMO सर कब तक जाएंगे अकेले? एक इंसान अगर अकेले जाना ही है। अभी आपकी प्रबंधन से बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई हो गई है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, आप लोग कब मानेंगे, किस क्या चाहते हैं और कब ये स्ट्राइक खत्म? हमारा ये स्ट्राइक खत्म करने का उद्देश्य हो चुका है, क्योंकि सर ने अभी TI सर ने भी बोला, पहले उनके ऊपर धाराएं जो थी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की नहीं लगी थी। सर का कहना है कि सारी धाराएं मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की लग गई हैं, जो कि नॉन अवेलेबल हैं, इसके कारण अब उसकी बेल नहीं हो पाएगी। तो उसके ऊपर चार्जशीट तो फाइल होगी ही, पहला ये हमारा फुलफिल हो गया। दूसरा, हमारी मांगे थी कि चौकी में 24 आवर्स एक आर्म्ड पर्सनल होना चाहिए, तो SP मैडम ने बोला है कि इसके लिए जो प्रोसीजर है वो फॉलो हो जाएगा और यहाँ एक अलग से गार्ड जो होते हैं वो बढ़ाए जाएंगे। तीसरा हमारा ये था, जो हमारे खुद के गार्ड होते हैं, ना उनके पास आपस में बात करने के लिए वॉकी टॉकी है, ना उनके पास डंडे हैं, उनको व्यवस्था की जाएगी और उनका संख्या बढ़ाया जाएगा, ना कि कैजुअल्टी में, पूरे हॉस्पिटल में। चौथा, हमारा जो एसोसिएशन बन चुका है, जो कि अभी 22 साल में नहीं था सिम्स में, वो हमारा फॉर्म हो चुका है। आगे अगर ऐसी कोई भी घटना होती है जूनियर सीनियर या फिर स्टूडेंट के साथ, तो हम तुरंत प्रोटेस्ट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इनका ऑन पेपर, अब क्या स्ट्राइक खत्म करके आप लोग काम पे जा रहे हैं? एज सच तुरंत स्ट्राइक तो ऑफ हो गई है, लेकिन ये परमानेंट ऑफ नहीं हुई है। सिर्फ उन्होंने पेपर में दिखाया कि बढ़ गया है, तो हमारी कल परसों नर्सों जिस दिन भी स्ट्राइक चालू होगी उस दिन सिर्फ OPD बंद नहीं रहेगा, पूरा इमरजेंसी हम बंद करेंगे। जी देखिए, अभी जो डॉक्टर्स हैं उनसे जो चर्चा हुई है, प्रबंधन की जो चर्चा हुई है और जो पुलिस प्रशासन उससे चर्चा हुई है, उसके तहत आप स्ट्राइक बंद खत्म करने पर ये राजी तो हो गए? ये जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे पूछते हैं कि किस तरह से ये चर्चा कर, ये बताइए साहब कि आज जो स्ट्राइक था उसको किस तरह से खत्म कराया गया, क्या क्या इनकी मांगे थे, क्या मांग पूरी कर दी गई है? इनकी जो मांगे थी, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बोले थे, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और मेडिकल की जो धाराएं होती हैं उन धाराओं को जोड़ने की मांग की और जुड़ चुकी हैं। इनको बताया गया, इनकी जानकारी में नहीं थी, क्योंकि वो धाराएं पहले ही जोड़ दी गई थी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनकी मांग थी कि सिम्स चौकी में बल बढ़ाया जाए, आर्म्स फोर्स लगाया जाए। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को हालात से अवगत कराया गया है और भविष्य में यहाँ स्टाफ बढ़ाया जाएगा।
जी जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो जो मांगे थे जूनियर डॉक्टर की वो पूरी कर दी गई है और यहाँ पर आर्म फोर्स एक रखा जाए तो वो सभी मांगे प्रशासन ने मान ली और इसलिए अब ये स्ट्राइक लगभग खत्म होने वाली है। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जानकारी देने के लिए।